देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर भर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आई देखे आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर की नदीम कॉलोनी में परवेज कुरैशी के निवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परवेज कुरैशी के साथ भाजपा छोड़कर आए लोगों का जिला प्रभारी चौधरी इजार बबलू वे भावी मेयर प्रत्याशी मंसूर अंसारी वे महानगर अध्यक्ष तजम्मुल हसन ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी चौधरी इजार बबलू ने कहा, मुस्लिम समाज अब तेजी के साथ आसपा के साथ जुड़ता जा रहा है। आने वाले 2022 के चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। एनबीडी से इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नदीम कॉलोनी के अंदर परवेज कुरैशी साहब के मकान पे आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला करके हमारे भावी मेयर प्रत्याशी मंसूर भाई और हमारे महानगर के अध्यक्ष तजम्मुल हसन साहब और मैं आपका भाई चौधरी झार बबलू जिला प्रभारी को यहाँ बुला करके इन्होंने स्वागत करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के भाई परवेज कुरैशी साहब रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर के आजाद समाज पार्टी का दमन थामने का काम किया है। इसका हम लोग इनके साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज अब जागता जा रहा है बहुत तेजी के साथ। दलित मुस्लिमों को एक होते हुए हमें नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज यहाँ आगाज जो नदीम कॉलोनी के लोगों ने शुरुआत की है आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ने की, उससे लगता है कि दलित और मुस्लिम इकट्ठे होकर के इंशाल्लाह बहुत जल्द मजबूती के साथ काम करेंगे और आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मुस्लिम समाज बहुत तेजी के साथ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ जुड़ने का काम कर रहा है, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। इसलिए हम सब इनका तहरीर से जो हमारे साथ आज पार्टी में हमारे नौजवान साथी हमारे भाई प्रवीण भाई और तमाम साथी खड़े हैं, अकरम भाई और सलमान भाई और तमाम सादा भाई हैं, आसिफ भाई हैं और बहुत सारे नौजवान हमारे साथी ये देखते हुए कि चंद्रशेखर भाई के मिशन से हमें चलना है। उनका जो नारा है कि दलित मुस्लिम करो विचार का जो नारा है उनका, अपने सहेंगे अत्याचार, तो इसलिए हमें दलितों को और मुस्लिमों को मिलके ये यहाँ से आगाज शुरू करना है और इसे पार्टी को चलाना है। मेरे साथियों, दलित तो हमारे भाई इकट्ठे हो गए, अब हमें मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक होना है। जब तक हम लोग मुस्लिम समाज जागरूक नहीं होंगे तो जिस तरीके से दलित और मुस्लिमों पर अत्याचार होता आ रहा है वो अत्याचार होता रहेगा। दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, ये नारा जो चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया है, इस नारे को हमें इकट्ठे होकर के आवाज दलितों की मुस्लिमों की बुलंद करनी है।